आज निफ्टी में वापस से खरीदारी लौटती हुई नजर आई और खास तौर से इसका खास इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शन की ओर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखिए तो निफ्टी करीब जो है वो 150 पॉइंट ऊपर यानी कि 11,726 के पास बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही सेंसेक्स में भी जबरदस्त तेजी, लगभग 500 पॉइंट की तेजी के साथ में 39,000 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। साथ ही बैंक निफ्टी में लास्ट के आधे घंटे में एक जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी यहाँ पर 29,860 के पास क्लोज होता हुआ नजर आया, लगभग 380 पॉइंट ऊपर। अगर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो लगभग 70% स्टॉक बाइंग साइड में लास्ट के आधे घंटे में देखने को मिले। ओवरऑल यहां पर अगर देखें तो टॉप गेनर की साइड से निफ्टी के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट, बीपीसीएल, एचसीएल, आईओसी, इंफ्राटेल और इंडसइंड बैंक, यहाँ पर जो रिजल्ट अभी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं और खास तौर से अल्ट्राटेक का जिस तरीके से रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिला उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला और इस वजह से वो यहाँ पर आज टॉप गेनर में शामिल हुआ। दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली लास्ट के समय में भी देखने को मिली, जिसमें टाटा मोटर, इनफैक्ट ये कहें कि पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर में ही यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। टाटा मोटर, हीरो मोटो, मारुति, सिप्ला, कोल इंडिया, ये ऐसे स्टॉक रहे जिनमें कि लास्ट में भी यहाँ पर थोड़ी सेलिंग देखने को मिली। अब कल की स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी फिलहाल निफ्टी का बाइंग ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू है और मैं समझता हूँ कि 11,850 तक अभी निफ्टी में बाय बने रहना चाहिए, फिलहाल शॉर्ट से बचना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पर आईटी, फार्मा और साथ ही बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो पीएसयूज हों या फिर प्राइवेट, इन बैंकों में यहाँ पर बाय की पोजिशन बनाई जा सकती है।